बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है महाराष्ट्र के संग्राम को लेकर, जहां पर 30 घंटों का वक्त यहां पर दिया गया है फ्लोर टेस्ट को लेकर, और कल शाम 5 बजे तक की फ्लोर टेस्ट करना होगा और बीजेपी को अपना बहुमत साबित करना होगा। लेकिन हमारे साथ मनोज तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नहीं बल्कि। मनोज जी, आप कांग्रेस से हैं और कांग्रेस ने ये लगातार मांग की थी अपने बाकी दलों के साथ कि जल्द से जल्द, जितना भी जल्दी हो सकता है, फ्लोर टेस्ट किया जाए, क्योंकि साबित तो कुछ होना है नहीं, विधायक तो उनके साथ है नहीं, हमने हालांकि लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया। जी, मैं तो शुरुआती दौर से ये बोलते आ रहा हूँ, कांग्रेस की ये शुरू से मांग रही है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी डिमांड यही था कि यथाशीघ्र महाराष्ट्र के किसानों को चिंता करते हुए सरकार का गठन हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने उनकी इच्छा में अपनी सहमति जाहिर की कि वे यथाशीघ्र सरकार का निर्माण हो वहां पे। तो हमने कहा कि आपकी भी यही इच्छा है, हमारी भी यही इच्छा है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आश्चर्य तब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को ऐसा कौन सा दिवा स्वप्न आ गया कि उनको लगा कि किसानों की माली हालत का सुधार सिर्फ एक दिन में हो सकता है, और इसलिए उनका माननीय राज्यपाल के पास जाना रात में और सुबह में प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार का प्रयोग। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि संविधान में हमने आज तक 70 वर्षों से ऊपर हो गया था। सॉरी, मुझे तो बहुत बाद में मौका मिला है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बात पूरी कर लेनी देनी चाहिए आपको। देखिए, मैं पूरी शालीनता से कह रहा हूँ कि 70 वर्ष के इतिहास में लोकतंत्र में आज तक जितने भी संवैधानिक निर्णय हुए हैं उसमें अगर आपातकाल की स्थिति हो, युद्ध का समय हो, युद्ध का माहौल बन गया हो, या लोकसभा कार्य नहीं करती हो, भंग हो, या राज्यसभा भंग हो, तो प्रधानमंत्री को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगा, ऐसी कोई सी परिस्थिति नहीं थी। मैं एक मिनट मैडम, मेरी बात को सुनिए। तो मुझे लगा हम लोगों को, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी थी, ऐसा लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की मनसा सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भूल गए तो आपको रिमाइंड करा दूं, मैं अगर आप इतिहास में जाइएगा तो मैं उसका जवाब दूं, मैं उसका जवाब दूं। लोकतंत्र की खरीदारी, लोकतंत्र की खरीदारी महज 5 वर्षों में एक लंबा इतिहास हो चुका है आपका। मैं उसका उदाहरण बताता हूँ, कहिए तो मैं उसका उदाहरण बताऊँ। बताइए ना उदाहरण, क्या उदाहरण? कर्नाटका 16 लोगों की लोकतांत्रिक खरीदारी की गई थी, गोवा में 13 लोगों की खरीदारी की गई थी, मणिपुर में 8 लोगों की खरीदारी की गई थी, उसके बाद असम में 9 लोगों की खरीदारी की गई। 5 वर्षों का इतिहास और इतना लंबा आपके साथ ये चिपका हुआ है। देखिए, गलत परसेप्शन पूरे देश में बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस की क्या क्या धजियां आप लोगों ने उड़ाई है, कांग्रेस की ये मांग हम लोगों ने हर चीज संविधान में रह के करी है, महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया जाए, और हमने ये मांग की सुप्रीम कोर्ट से। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के ऊपर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संविधान विदों को बधाई देता हूं, और सर्वोच्च संस्था जो देश की है सुप्रीम कोर्ट, उसके निर्णय से अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। हम लोग आज निश्चित रूप से इस संस्था के निर्णय का सम्मान करते हैं और बिल्कुल मांग करते हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि कल का निर्णय दिया गया था, हमारी डिमांड तो ये थी कि आज ही इसको करा लिया जाए। अब जहां तक सवाल, बार बार ये सवाल आ रहा है, ठीक है ना, आप लोगों का डर हम कितना सहेंगे, क्या 1 घंटे में फ्लोर टेस्ट हो जाएगा? मानते हैं आप लोगों को डर है यहाँ पर खरीद फरोख का, लेकिन इतना भी डर क्या कि अभी कुछ तो यहाँ पर प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया है कि वक्त दे दिया है कल शाम का, तो अब इसमें क्या कि बार बार आप लोग बोलेंगे कि जल्द से जल्द करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। नितिन अरोड़ा जी, आपके पास आना चाहेंगे, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं, लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर आखिरकार होगा कौन, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पावर यहाँ पर देखी जाए तो प्रोटेम स्पीकर के हाथ में है। अगर ऐसे में अगर प्रोटेम स्पीकर बीजेपी का होता है तो फायदे का सौदा, ये फायदे का सौदा तो है बीजेपी के लिए, थोड़ा सा एडवांटेज है बीजेपी के पास, बट जैसे मैंने पहले बोला कि अभी भी बीजेपी को चिंता करने के बहुत सारे रीजन है उनके पास, और हम बार बार संविधान की बात कर रहे हैं और हम लोगों के लिए संविधान बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर माना जाता है, बट पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो नेताओं ने और सारे राजनीतिक दलों ने संविधान से ऊपर भी एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है, और वो है अंतरात्मा की आवाज़। अब इस ये अंतरात्मा की आवाज़ किसकी कब जाग जाती है, ये अभी संविधान में भी नहीं लिखा गया कहीं,
तो अभी हो सकता है अजीत पवार की अंतरात्मा जाग जाए और जैसे आपने बोला वो मीटिंग के लिए गए हैं वहाँ पे वो इस्तीफा दे दें, या ये हो सकता है कि अंतरात्मा की आवाज़ जाग जाए और शिवसेना ही बैकआउट कर जाए, कुछ भी हो सकता है। फ्लोर टेस्ट पे कहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको पता नहीं है, ये सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है, ये इनकी अंतरात्मा के अकॉर्डिंगली चलता है। लेकिन सुनील जी, अभी जिस तरह से चीजें सामने आ रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी 26/11 की, वहां पर नहीं पहुंचे, फिर एक बैठक होनी थी देवेंद्र फडणवीस सिंगर, वहां नहीं पहुंचे, और इसके साथ ही यहां पर जो कल विधायक यहां पर शपथ ले रहे थे तीनों ही दलों के, वहां पर भी नहीं पहुंचे। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अजीत पवार के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि मुलाकात भी लगातार लोग कर रहे हैं उनसे, एनसीपी के नेता, उस दौरान भी कुछ सामने नहीं आ रहा है। इस बीच आपने भी यहां पर देखा कि एक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि शायद वो डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा यहां पर दे सकते हैं, और अब जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस के घर तो पहुंचे हैं, लेकिन बयान इस दौरान कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है, उन्होंने कहा है कि जल्द फैसला लूंगा। फैसला क्या हो सकता है, क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे या फिर रुख हो सकता है एक बार फिर से परिवार के साथ? देखो ऋतु, या तो शाम तक दोनों लोगों का इस्तीफा आ जाएगा, यदि फ्लोर टेस्ट तक जाते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप मानिए कि बीजेपी की कोई ना कोई रणनीति काम कर रही होगी। और जिस तरीके से इन्होंने लोटस नाम दिया है एक, कि लोटस के माध्यम से क्या करना है इनको, और जो चार नेता हैं जो नारायण साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जो कभी कांग्रेस में रहे हैं या कभी शिवसेना में रहे हैं, जो एनसीपी में रहे हैं, उनसे कैसे संपर्क साधा जाएगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसमें मान लीजिए कि 24 घंटे का बार बार कांग्रेस एनसीपी शिवसेना जो समय मांग रही थी वो 72 घंटे से ऊपर हो गए, तो ये बीजेपी को राहत भरा तो है, निश्चित तौर से कह सकते हैं कि बीजेपी जो चाहती थी लगभग वो हो गया, क्योंकि 30 तारीख को कर लो या 27 तारीख को कर लो, 4 दिन इनको समय मिल गया। तो बीजेपी ये नहीं कह सकती कि हमने कोई रणनीति नहीं बना पाई, या जो जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं का मैनेजमेंट नहीं कर पाई, बीजेपी के पास भरपूर समय है। दूसरा, जो कांग्रेस ने मांग की थी कि जो प्रोटेम स्पीकर होगा वो सबसे वयोवृद्ध होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, ये गवर्नर के ऊपर छोड़ा है कि गवर्नर जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाएगा वही कार्रवाई देखेंगे। दूसरी, प्रोटेम स्पीकर के बाद जो स्पीकर की नियुक्ति होती थी वो भी क्लॉज बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कि नहीं, प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर तत्काल शपथ के बाद वो फ्लोर टेस्ट कराएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ भूमिका बनती है कि गवर्नर के हाथ में कुछ चीज़ें आ गई, या जो प्रोटेम स्पीकर गवर्नर नियुक्त करेंगे उनके हाथ में आ गई। दूसरा, जो लाइव देखने की बात हो रही है या गुप्त मतदान नहीं होगा, ये हमने कई ऐसे बार फ्लोर टेस्ट देखे हैं आंखों से, और जो अंदर ऋतु कार्रवाई होती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब चहलकदमी होती है तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सारे लोग होते हैं, वहाँ केवल और केवल विधायकों को जाने की अनुमति होती है, वो पार्टी के न तो कोई नेता वहाँ होते हैं न कोई अन्य दर्जे के लोग वहाँ होते हैं, या तो प्रशासनिक अधिकारी होंगे या विधायक होंगे। तो कई बार हमने आंखों से ये देखा है कि वो अंदर ही अंदर बहुत सी चीजें चेंज होते होते देखा है कि होता है। बिल्कुल, बीजेपी सामने आ जाती है एकदम से, या तो बीजेपी। संजय जी को ले लेते हैं, संजय जी बहुत देर बाद हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, पहली प्रतिक्रिया बता दीजिए, बहुत देर बाद आप जुड़े हैं, 24 घंटे की आप लोग मांग कर रहे थे, 30 घंटे का वक्त यहाँ पर दे दिया गया है बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए, लेकिन अभी मैं मानिस ऋतु जी, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो हम लोग फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे थे उसका उन्होंने सम्मान रखा, और फ्लोर टेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि जब तक फाड़े तक बुलाना चाहिए। तो निश्चित आप जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये आप समझ लीजिए उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है। जो 54 विधायक अजीत पवार लेके गए थे उसमें से 51 विधायक आज माननीय शरद पवार जी के साथ हैं, जो कल 162 के रूप में दिखा भी दिए गए। तो ये नैतिकता बनती है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अडवाणी जी की पार्टी है ये, जिनके पास सिद्धांतों की कमी नहीं थी, वो सिद्धांत हमेशा जीते रहे। एक एक सांसद कम होने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने नहीं कहा कि मैं इसमें वो कराऊंगा। आज मैं ये चाह रहा हूं, संजय जी एक बार फिर से लौटूंगी, एनसीपी के नेता रेशमा पटेल जी हमारे साथ जुड़ गई है। रेशमा जी, लगातार अजीत पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्या मान जाएंगे अजीत पवार, और क्या जरूरत अभी अजीत पवार की जिस तरह से दरकिनार किया गया था उनको? अजीत पवार जी सिर्फ पार्टी के नहीं है, तो उस परिवार के भी है जो पवार परिवार से है, तो यहाँ पे उसको पारिवारिक तौर पे मनाया जाएगा। वो कोशिश तो हमेशा जारी रहेगी, और माननीय शरद पवार जी ने भी बोला है कि अगर शाम का बुला हुआ सुबह का बुला हुआ शाम का लौट आए तो वो गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे दुख की बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खुद की सरकार की लालच में इतनी पार्टी उनके साथ ड्रॉप किया, शिवसेना के साथ किया, एनसीपी पार्टी का परिवार तोड़ा, तो यहाँ पे
जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुट नीतियां जाहिर की है और आज वो उस सरकार पे पहुंचे हैं, उन लोगों के पास बहुमत की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा एक ही उनके साथ है। तो यहाँ पे एनसीपी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस तो साथ में ही है, जो भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो बीजेपी से ही, और साथ में प्रजा परेशान हो रही है, महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान हो रही है, जिम्मेदारी। रेशमा जी, ये परेशानी तब तक नहीं समझ में आई थी जब आप लोगों के बीच मंथन चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था और अंतिम समय तक आप लोग यही तय नहीं कर पा रहे थे कि हम किस चीज में सहमत और किस चीज में नहीं? तब जनादेश समझ में नहीं आया, तब जनता का मन टटोला नहीं गया? बेकार है, ठाकरे जी माननीय मुख्यमंत्री के स्वीकार कर लिए गए थे, सब बैठक हो गई थी, अगले दिन जो है राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया, महाराष्ट्र की जनता को क्यों रही है, इसीलिए तो हमने साथ में बैठ के, उसके बाद हमने निर्णय किया कि हम साथ में बैठ के सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम री इलेक्शन करके प्रजा के पैसे और उसकी बर्बादी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जनादेश के बाद हम कुर्सी के लिए लड़ लेते तो कुछ भी उत्पटन करके हम सरकार बना लेते, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कुर्सी नहीं है, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता को फिर सरकार मिले। स्थिर सरकार तो दी जा रही थी एनसीपी और बीजेपी के जरिए, फिर क्या हुआ? नेहा जी, एनसीपी मैं यहाँ एक बार करेक्ट करना चाहती हूँ, एनसीपी और बीजेपी की बात ही नहीं है यहाँ पे, एनसीपी और पवार दादा, अजीत दादा के बीच की बात है। आपको साफ तौर से बताओ कि अजीत दादा पे रातों रात उन लोगों ने क्या जादू टोना किया, क्या ईडी और ईडीसी का जो भी झमेला और डर और दांत। नेहा जी, नेहा जी, 2014 में भी रातों रात फैसला लिया था सरब जी ने, क्या आप लोग अजीत पवार को अपनी पार्टी का सदस्य नहीं मानते? मतलब उन्होंने जो अपनी इतनी सालों की मेहनत एनसीपी को उठाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्या आप उनको कुछ मानते ही नहीं? आपका तो आपके हिसाब से आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये कि एनसीपी मींस जस्ट शरद पवार जी की पार्टी, क्यों अजीत जी ने जो इतना अपना मेहनत दी और वहां विधायक उनके साथ है, समर्थन है, उसी समर्थन को ही भाजपा ने अपने फेवर में लिया और जाके अपना सीएम पद, आपको वहां की जनता का जनादेश मालूम नहीं अभी तक पड़ा? क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया तो आपके ही नेता शरद पवार जी ने कहा कि जनादेश हमें विपक्ष में बैठने को कह रहा है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। कांग्रेस ने भी यही कहा। सिर्फ शिवसेना को मंजूर नहीं था, सिर्फ शिवसेना को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको अपने बेटे के मुंह में, उनके बेटे के जो पुत्र वो था, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरीके से वो जनता को खराब कर रहे हैं, वहाँ जनादेश का पालन नहीं कर रहे, वो बाकी सारी पार्टियों से मिले, उन्हें तोड़ा, उन्हें अपने फेवर में किया और आज बातें कर रहे हैं। तो सारा किया धरा जो है वो शिवसेना का है, शिवसेना को भूलना नहीं चाहिए कि वहाँ जो उनकी वोटिंग, जिन वोटों से वो जीते हैं उसमें भाजपा का पूरा समर्थन रहा, भाजपा के सारे वोटर और भाजपा के समर्थक सब उनके साथ लग के उन्होंने उनको वो सीटें जितवाई है। तो यहाँ शिवसेना भूले नहीं कि भाजपा का कितना बड़ा एहसान उन पे रहा है। आप लोग गलत कर रहे हैं, यहाँ शिवसेना जो है एनसीपी अपनी जगह ठीक थी, कांग्रेस अपनी जगह ठीक थी, दोनों विपक्ष में बैठने को तैयार थे, लेकिन शिवसेना ने सबको उंगली करी कि क्यों विपक्ष में बैठ रहे हो, हमारे साथ आओ, क्योंकि हमारे बेटे को हमने वहाँ पर सीएम बनाना। तो सिर्फ एक सीएम की कुर्सी के लिए शिवसेना ने ये सारा षड्यंत्र रचा है। तो ये सब जो वहाँ की जनता के साथ हो रहा है ना, इसका किया धरा पूरा श्रेय जो है उनको जाता है, शिवसेना को। सुनील जी, रेशमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, जनादेश के हिसाब से चले हैं, आपके एनसीपी के नेता ही मान रहे थे कि हम विपक्ष में बैठेंगे। तो यहाँ कांग्रेस और आप लोग ठीक थे, उंगली करने वाले सिर्फ शिवसेना। संजय जी, रेषमा जी, संजय जी और रेषमा जी, और अपने दुश्मन के दोस्त बन गए, अब ठीक है, बहुत साबित करिएगा जब टाइम मिलेगा, दोस्त थे दुश्मन हो गए, अब चलिए। संजय जी, सुनील जी, आप अपनी बात रखिए जल्दी। संजय जी,
कृपया करके सर शांत हो जाइए, सुन लीजिए अपनी बात रखिए। पीछे के पर्दे से शरद जी की और बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हो रही थी, तब शरद जी को बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर वो शिवसेना से भी मीटिंग कर रहे थे, इधर वो बीजेपी से भी मीटिंग कर रहे थे, अधिकतर वो जाकर के प्रधानमंत्री से भी मीटिंग कराए। लेकिन जो फॉर्मूला शिवसेना कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सेट कर रही थी, बिल्कुल, और ये बिल्कुल पक्की खबर है, ये इनके इनके अजीत पवार बात को खोलेंगे बाद में, कि जो देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग इनकी चल रही थी एनसीपी की तरफ से, वो शरद जी के आदेश पर ही चल रही थी। ऐसा नहीं है, चार बार यदि मीटिंग वहां हो चुकी है देवेंद्र जी से, तो क्या शरद जी के बिना निर्देश के हो रही होगी क्या मीटिंग वो? और 2014 में पता है किस तरीके से जब बहुमत की बात आई थी, तो शरद जी वॉकआउट कर करके बीजेपी को समर्थन दे करके सरकार बनवाई थी, तो ये सारा देश जानता है शरद जी को। दूसरी बात, यदि आपकी मीटिंग प्रधानमंत्री से हुई, तो आपने बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उस मुद्दे में क्या हुआ, क्या उसमें आपने कांग्रेस को विश्वास में लिया, और फिर क्या लौट के मुंबई पहुंच करके आपने अजीत पवार से बात की जा करके कि हम किस मुद्दे पर बात करके आए हैं? और दूसरी बात, यदि अजीत पवार ने डिसीजन ले लिया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जब आपने उनको विधायक दल का नेता बनाया और ये अधिकार उनको दे दिया कि आप डिसीजन लीजिए, अब उनने डिसीजन ले लिया तो मिर्चें क्यों लग रही हैं एनसीपी को? या तो पहले आपको इतना भरोसा नहीं होना चाहिए था अजीत पवार पे कि वो उनको विधायक दल का नेता बनाते, और विधायक दल का नेता बनाने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से पीछे से निर्देश नहीं होगा। अब बातें ये लग रही है, अब शरद जी कमिटमेंट कहीं और कर रहे हैं, भतीजे ने कमिटमेंट कहीं और कर दिया, तो अब रायता फैलता दिख रहा है लोगों को। कल फ्लोर टेस्ट में शिवसेना को समझ आ जाएगा कि उनका सीएम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो शिव सैनिक इतने खुश, आप लोग इतने खुश मत होइए, आपने जनादेश का पालन नहीं किया, आपने जनादेश के विरुद्ध जाके आप ये सारे काम कर रहे, सिर्फ आपको सीएम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को वहां सीएम बनाना है बस, और वो कुछ नहीं देख रहे, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता नहीं भाड़ में, वो सिर्फ अपने बेटे को वहां बिठाना चाहते हैं, उसके लिए जितना मर्जी नुकसान हो राष्ट्रपति शासन वहां पे लग जाए। नेहा जी करेक्ट कर दो, अब तो बेटा नहीं, अब तो खुद उद्धव ठाकरे बैठना चाह रहे हैं, तो एक ही बात है, नाम फिक्स ही नहीं हो पा रहा है। पहले उन्होंने कहां बैठना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे, सहमति अभी जो हाल ही में एनसीपी ने रिटर्न में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार ने खुद सामने आकर कहा है कि सहमति पत्र नहीं आया, शरद पवार ने खुद सामने आकर कहा है कहना, मीडिया के सामने कहना, मीडिया से बात कहना पक्का थोड़ी होता है, यदि आपने मीडिया के सामने कह दिया कर रहे हैं, और रिटर्न में आपने विधायक दल का नेता अजय को बनाकर के उसको को अपमानित करने का मौका मिलना चाहिए। मनोज जी से पूछ लेते हैं कि आप सहमत हैं क्या उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बने तो? देखिए रितु जी, मैं एक बात सब लोगों की चर्चा में आई है, मैं एक बात थोड़ा सा दो मिनट का आपसे समय लूंगा। मुझे एक चीज समझ है कि लोकतंत्र में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति को जरा समझिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक बहुत बड़े शख्सियत हैं, और शरद पवार के वट वृक्ष के नीचे अजीत पवार जी ने राजनीति का ककहरा सीखा है। आज की तारीख में अजीत पवार के जो निर्णय हैं वो निर्णय किस सोच के आधार पर है, इसके बारे में मेरे मुझे कोई कमेंट नहीं करना, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। आप सर कर भी नहीं सकते, बड़े भाई डॉक्टर साहब मुझे लगता है देखिए, ये तो भाजपा को कहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए अधिकार नहीं है कि आप बार बार हमारी भाजपा के प्रवक्ता का कहना है, आप एक मिनट जी, भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि किस आधार, शिवसेना जो है सब लोगों को बरगला रही है और सत्ता के लिए बरगला रही है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। 30 वर्षों का संबंध, ये लोग जनता के प्रति अपने को उत्तरदायी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग बहुत बड़े जिम्मेवार लोग हैं, महज एक मुख्यमंत्री की कुर्सी की खातिर 30 वर्षों का संबंध को इन लोगों ने धक्का जता दिया। जनता के सामने ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हमको कुर्सी नहीं चाहिए? ये जहाँ तक सवाल, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप बार बार परसेप्शन के आधार पर जनता को बरगलाने की कोशिश जो आप 20 दिन से कर रहे हैं, देखिए
पच्चीस दिन से मसला चल रहा है और कांग्रेस सब बता रहे हैं। यह मसला 25 दिनों से चल रहा है, ये बार बार कहा जा रहा है। मैं एक मिनट मेरी बात पूरी कर एक महीना हो गया जल्दी से बात कीजिए, मनोज जी जल्दी से बात करिए, नितिन जी के पास जाना है। रितु जी जल्दी से करिए आप बात लीजिए, आप डिस्कशन में मेरी बात को पूरा करने दीजिए। मैंने ये बोला ये जो एक महीने का ड्रामा चल रहा है, एक महीने का ड्रामा क्यों चला, ये ड्रामा आपके तरफ से चला। जनता का जनादेश, आपने कहा कि मुझे जनादेश मिला है, बिल्कुल जनादेश मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जनादेश का अपमान किया जा रहा है। माफी चाहूंगी मनोज जी देखिए, जो जनता ने जो जनादेश दिया था वो नहीं माना गया, चाहे बीजेपी की बात कर ली या फिर शिवसेना की। अब 145 का बहुमत नहीं दिया है आपको, बहुमत नहीं है। माफी चाहूंगी अस्मिता जी, मनोज जी अब जनादेश मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्यों फिर बातें चल रही है।